जो शोल्डर या जो घुटनों के दर्द होते हैं उनकी जानकारी सभी पेशेंटों को नहीं होती। आज बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हमारे यहाँ पर डॉक्टर जे महेश्वरी इस कैंप में पधारे हैं। जो मरीज हैं उनके लिए सुविधा दी है कि वो कैंप में अपना चेकअप करा सकते हैं, दिखा सकते हैं, पूरी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे भिवानी हेल्थ। केपीएम चैरिटेबल अस्पताल में निःशुल्क कंधे एवं घुटने के कैंप का हुआ आयोजन। कैंप में करीब 50 लोगों के कंधे व एवं घुटने की जांच की गई। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। कृष्णा कॉलोनी स्थित केपीएम चैरिटेबल अस्पताल में निशुल्क कंधे एवं घुटने के कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में भारत के ऑर्थो के सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर जे महेश्वरी ने अपनी सेवाएं दी। कैंप में करीब 50 लोगों के कंधे एवं घुटनों की जांच की गई। डॉक्टर जे महेश्वरी ने कहा कि भिवानी के कृष्णा कॉलोनी में आज निशुल्क कैंप का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि ऑर्थो कैंप में घुटने व कंधे के मरीजों का चेकअप किया गया है। महेश्वरी ने कहा कि अब भिवानी के लोगों को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी। 3 महीने में एक बार निशुल्क कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप में लोगों को बताया भी गया है कि कैसे वे अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज करके कैसे घुटनों व कंधों की बीमारियों से बचा जा सकता है। देखिए, केपीएम चैरिटेबल हॉस्पिटल जो कि रन बाय करोड़ पक्का मासबा रजिस्टर्ड दिल्ली द्वारा चलाया जाता है, हमारे प्रधान पीछे श्री नरेश जुनिया जी जो इसको बेखूबी देखते आ रहे थे, चलाते आ रहे थे, पर पिछले साल उनका निधन हो गया जिस कारण से काफी कमी चल रही थी, संस्थाओं में भी काफी इस चीज का कष्ट हुआ। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि करोड़ पक्का महासभा केपीएम चैरिटेबल हॉस्पिटल लगातार पिछले लगभग 20 से ऊपर हो गए साल जो ये सेवाएं दे रहे हैं, मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, जितने जरूरतमंद लोग होते हैं आसपास गांव के हों शहर के हों, जो पे नहीं कर पाते, डॉक्टरों की फीस नहीं दे पाते, जैसे आज हमारे यहाँ पहुंचे हैं ऑर्थो डॉक्टर जे महेश्वरी जी, इनकी मैं कहता हूँ कि इनसे मिलना, इनकी फीस इतनी हाई होती कि आम पेशेंट पहुंच नहीं पाता। तो हमारे जो केपीएम के मेंबर है चौधरी जी, लव जी, इन्होंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि करोड़ पक्का महासभा जो केपीएम चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रही है, आप एक कैंप लगाएं भिवानी में जो गरीब पेशेंट भी इलाज करा सके जो आप तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? ऑर्थो के जो डॉक्टर होते हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ, वो क्या होते हैं, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन करा लिया, जो शोल्डर या जो घुटनों के दर्द होते हैं उनकी जानकारी सभी पेशेंटों को नहीं होती। इन्होंने पहले तो हमें ऊपर सभी क्लासेस के माध्यम से समझाया कि क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे अपने घुटनों का और शोल्डर की केयर करनी चाहिए, अगर छोटी मोटी दिक्कत हुई उसको स्टार्टिंग में रोक लेना चाहिए। ये आज केपीएम चैरिटेबल हॉस्पिटल में ये आज ये कैंप लगाया गया है। हमारा ये केपीएम चैरिटेबल हॉस्पिटल पिछले 24 वर्ष से समाज की सेवा में लगा हुआ है और हर 3 महीने में यहाँ विभिन्न प्रकार के डॉक्टर्स आकर कैंप लगाते हैं। ऑलमोस्ट सभी दिल्ली के डॉक्टर्स आरटीएमएस से, मेदांता से, स्प्रिंग मीडोज हॉस्पिटल से यहाँ आते हैं। आज हमारे पास एम्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर जे महेश्वरी, जो वर्ल्ड रिनाउंड हैं और जिन्होंने 20,000 से ज्यादा नीज और शोल्डर के ऑपरेशन किए हैं। वो पार्शियल रिप्लेसमेंट भी करते हैं और साथ के साथ डॉक्टर महेश्वरी ने वो किताबें लिखी हैं जो एमबीबीएस और एमडी एमएस ऑर्थो के अंदर काम आती हैं। आज बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हमारे यहाँ पर डॉक्टर जे महेश्वरी इस कैंप में पधारे हैं। आप दिल्ली से यहाँ आए हैं, इसके लिए हमारे साथी लव चौधरी, कैलाश चौधरी और हमारे अशोक जी सरदाना, साथ में हमारे एमसी साथी हर्ष जी और नरेश अन्ना, जो मैं खुद बोल रहा हूँ, हम सभी साथियों के सहयोग से आज ये यहाँ पे पधारे हैं। आज हमारे पास आप देख सकते हैं कि इस समय कैंप के लिए बहुत सारे पेशेंट्स आए हुए हैं जो नीज के बारे में और शोल्डर के बारे में अपनी राय डॉक्टर साहब से शेयर करेंगे और उनसे इलाज कराएंगे। धन्यवाद। आज हम यहाँ केपीएम हॉस्पिटल में एक स्पेशल कैंप कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिक कैंप, जिसमें हमने घुटने और कंधे के जो मरीज हैं उनके लिए सुविधा दी है कि वो कैंप में अपना चेकअप करा सकते हैं, दिखा सकते हैं, पूरी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पेशेंट का खर्चा नहीं है। मैं डॉक्टर महेश्वरी, मैं दिल्ली में नी एंड शोल्डर स्पेशलिस्ट हूँ और बहुत पेशेंट भिवानी से और हिसार से और पूरे नॉर्थ इंडिया से समझिए वहाँ आते हैं हमें दिखाने, और हमें ये मौका मिला कि चलो एक बार यहाँ आके कैंप करके देखें यहाँ के पेशेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, जो इतनी दूर दिखाना आ भी नहीं सकते। अगर उनको कोई ऐसी हम सेवा दे सकते हैं यहाँ पर आके, तो उसके लिए हमने ये प्रयत्न किया है और हम 40 पेशेंट देख चुके हैं। अभी लाइन तो बहुत है, लेकिन क्योंकि आज सिर्फ एक दिन का कैंप है
तो उससे ज़्यादा पेशेंट नहीं देख पाएंगे। लेकिन एक गोष्ठी भी ऊपर हुई जिसमें हमने पेशेंट को इस बारे में बताया कि कैसे वो इस बीमारी से बच सकते हैं, क्या क्या उन्हें सावधानी बरतनी है, रोज़मर्रा की लाइफ में क्या एक्सरसाइज करनी है, ताकि अगर किसी को छोटा मोटा दर्द हो तो वो आगे बढ़े। इस पर्पज से, इस निश्चय से इस कैंप का आयोजन किया गया। कब तक कैंप का आयोजन किया जाएगा? अभी तो पहला, आप देखते हैं इसके एक्सपीरियंस के बाद कैसा रहेगा। इच्छा तो है कि मे बी 3 महीने में एक बार कैंप किया जाए, और ताकि ये रेगुलर बेस पे हो, तो लोगों की इस बारे में जानकारी कि घुटने की बीमारी से कैसे बचा जाए, और अगर किसी की मदद हो सकती है उसको ठीक किया जा सकता है दवाई के जरिए, फिजियोथेरेपी के जरिए या ऑपरेशन के जरिए। ऑपरेशन तो यहाँ अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ पेशेंट को कम से कम हम सलाह दे सकते हैं कि आप इधर उधर भागना दौड़ना बंद करो और ऑपरेशन की तरफ। तो इस एक समझ लीजिए मानवीय एंगल से इसको हमने शुरू किया है कि एक हम जो भी इस एरिया में लोगों की सेवा करते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए भिवानी हलचल।